हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल मनी ट्री पर। और मित्रों, आप सभी से हम लोग आज बात करने जा रहे हैं निफ्टी के ट्रेंड में अगेन, क्योंकि हम लोगों ने पीछे निफ्टी के बारे में दो तीन बार बात किया और हमको लगा कि जैसा हमने प्रेडिक्शंस किए थे वो ऑलमोस्ट बीट हो चुके हैं हमारे। 29 सितंबर को हम लोगों ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने बोला था कि निफ्टी 10,000 ही बनेगा, साथ ही साथ स्मॉल कैप 5500 का लेवल टच करेंगे और मिड कैप जो है वो 16,000 का लेवल टच करेंगे, और तीनों ही इंडेक्सेस में ऑलमोस्ट हमारे लेवल अचीव हो चुके हैं। और यहाँ से आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने एक ग्रीन में क्लोजिंग देखी है मार्केट की, जो कि बताता है एक रिवर्सल साइन है। लेकिन रिवर्सल साइन में मार्केट कहाँ तक जाएगा ऊपर, ये समझने वाली बात है और इसके बारे में हम लोग टेक्निकल चार्ट के थ्रू ही बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको 29 सितंबर को उस वीडियो को लेकर चलता हूँ। ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट होगा धड़ाम, निफ्टी होगा 10,000, स्मॉल कैप और मिड कैप भी चाटेंगे धूल। यहाँ पर अब मैं वीडियो प्ले नहीं करूँगा बिकॉज द स्पीड ऑफ द इंटरनेट इज नॉट वेरी गुड, थोड़ी स्लो स्पीड है, मैं आउट ऑफ द टाउन हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्क्रीन शॉट है, यहाँ पर देखिए हमने साफ साफ लिखा है निफ्टी 10,000, स्मॉल कैप 5500 एंड द मिड कैप इज द 16,000 लेवल। अगेन रिपीट, निफ्टी 10,000, स्मॉल कैप 5500 एंड द मिड कैप इज द 16,000 लेवल। और अभी आप देखेंगे अगर हम लोग चार्ट में आ जाए बात करते हैं तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 10,200 का लेवल टच हो चुका है हमने ऑलरेडी। आप देखेंगे तो यहाँ पर 10,201 का सपोर्ट मेंटेन किया हुआ था, हालांकि उससे पहले ये ऊपर यहाँ तक रुक गया। और जो लोएस्ट आया था इसका फ्राइडे को वो आया था 10,261, बट आज निफ्टी ने इनिशियल ट्रेडिंग सेशन में लोअर साइड में आया, थोड़ा सा बीच में फ्लक्चुएट काफ़ी रहा मार्केट, ग्रीन में फिर रेड में फिर ग्रीन में, और इस तरह से करते करते फाइनली एंड ऑफ द डे जो निफ्टी की क्लोजिंग आई वो ग्रीन में आई। बट अल्टीमेटली निफ्टी ने 10,201 का लेवल टच किया और उसके बाद एक ग्रीन में क्लोजिंग दी। अगर 10,201 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा हमारा निफ्टी का वो रहेगा 10,016 का, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो हमने आप सभी को पहले भी बोल रखा कि अगर 10,000 का नीचे स्तर तोड़ता है, जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा हम लोग फ्लक्चुएटेड मार्केट में बात करते हैं, तो 9,950 इज द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मतलब आप ये समझ लीजिए उसके नीचे 9,950 के नीचे अगर क्लोजिंग आई तो मार्केट फ्री फॉल गिरेगा अगेन 500-700 पॉइंट, ठीक है। तो ये वाली बात है, बट यहाँ से अच्छी बात है, सभी के लिए खुशखबरी है कि 10,200 का स्तर चूके आज ग्रीन में काफ़ी दिनों के बाद कैंडल क्लोज हुई है और हमें एक उम्मीद दी है कि निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल आएगा, बट कितना। सो फर्स्ट टारगेट विल बी द 10,855, तो जो पहला टारगेट रहेगा हमारा वो 10,800 या 850 की रेंज में रहेगा। एक बार 10,850 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट रहेगा वो तकरीबन इस लेवल पर रहेगा, यहाँ पर आके इस कैंडल की जो अपसाइड है, हाई लेवल है 11,140 का लेवल। तो ये दो लेवल थे जिनको आप नज़र में रखिएगा। निफ्टी में हमें अभी फ़िलहाल तेज़ी की उम्मीद, संभावना पूरी नज़र आती है, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रगल के बाद आज जो बुल्स थे उन्होंने ग्रिप अपने कंट्रोल में ली है। लेट्स सी कि टुमारो मार्केट किस तरह से ओपन होता है और उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग आगे वाले वीडियोज़ में करेंगे। इसके अलावा हमने बात की थी निफ्टी मिड कैप की, जहाँ पर हमने आप सभी दिखाता कि 16,000 का लेवल टच करेगा, और आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप ने 16,055 पर क्लोजिंग दी है और जो टच किया है लेवल वो 15,823 का लेवल टच किया। बट जो हमारा लेवल था 16,000 उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है और 16,055 पे आज मिड कैप की क्लोजिंग है। और आप देखेंगे हमने देखा हिस्टोरिकल चार्ट पे बेसिस पे बात किया है, टोटल ये जो सपोर्ट मेंटेन था ये 17 अक्टूबर 2016 का था, यानी दो साल पहले का, अक्टूबर चल रही है और ये 2 ईयर्स बैक अक्टूबर का टारगेट था जो कि मिड कैप का था। हम लोग देखिए, हम लोग किसी भी तरह से इल्यूजन में काम नहीं करते, मेरा कोर मोटिव है कि आप लोगों को हिस्टोरिकल जो भी डेटा अवेलेबल है पब्लिकली, उस डेटा पे एग्जैक्ट फिगर क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट लेवल्स क्या होने चाहिए और कौन से लेवल हिट होंगे तो कौन से लेवल्स आपको नेक्स्ट मिलेंगे, ये हम बात करते हैं। इवन कुछ लोग सोचे अगर कि मार्केट को हम ड्राइव कर रहे हैं तो उनका सोचना गलत है, हम लोग मार्केट को ड्राइव नहीं कर सकते, इवन कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता। मार्केट की जो चाल होती है उसको बदलना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा निवेशक हो, चाहे वो
दुनिया का बड़े से बड़े निवेशकों, ठीक है, बट आप उस चाल के हिसाब से चल सकते हैं। अगर आपको पता है, देखिए जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर आप नदी के बहाव के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे तो आप डूबेंगे ही डूबेंगे, सेम स्टॉक मार्केट का। अगर आपको हम बोल रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड गलत है और आप इसमें अभी बाइंग नहीं कर सकते या आपको एग्जिट होकर निकलना है और आप उसके रिवर्सल में अगर कोई भी एक्शन लेते हैं, सो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि आप नदी के बहाव के अगेंस्ट जा रहे हैं और वहाँ पर डूबने की संभावना प्रबल है। लेकिन अगर आप बहाव के साथ चले, सो एक फैक्ट है कि आप अगर बहाव के साथ चलते हैं तो आपके जीतने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 2 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं, जब सेम अक्टूबर मंथ था, और आप देखेंगे आज अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो लेबल है इस जिस जगह में मेरा माउस है, यहाँ पर ये 4th अक्टूबर 5 अक्टूबर की डेट है, 5th अक्टूबर और 6th अक्टूबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट 16,055 ऑलमोस्ट उसी डेट पर 2 साल के बाद मार्केट फिर से वापस आ गया है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अगर ये लेबल टूटा यानी कि 16,000 के नीचे आज जैसा कि मार्केट गया, मैं कैंडल में दिखाऊंगा आपको, आज जिस तरह था 15,823 तक मार्केट गया, बट क्लोजिंग उसने उस सपोर्ट से ऊपर दी जो कि उसने 2 साल पहले बनाया था, क्योंकि 2 साल पहले ये उसका एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था और 2 साल बाद अब वही एक स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर 16,000 ब्रेक हुआ तब नेक्स्ट क्या होगा। तब दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर निफ्टी 9,950 के नीचे क्लोज हुआ तो फ्री फॉल जाएगा, 9,200 तक पॉसिबिलिटीज हैं। सेम अगर मिड कैप 16,000 के नीचे, अगर आप और फ्लक्चुएटेड प्राइस लगा लो, आप 15,823 जो आज का लो है उसको आप स्टॉप लॉस मान लें, अगर 15,800 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है मिड कैप में, सो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा वो तकरीबन रहेगा 14,800 के आसपास, यानी सिर्फ 1,000 पॉइंट का फ्री फॉल आपको मिड कैप के अंदर भी देखने को मिलेगा। सो इन लेबल्स को नोट करिएगा और इनके लेबल के हिसाब से ही आप लोग मार्केट में किसी भी तरह की पोजीशन को बनाइएगा, क्योंकि आप इन लेबल्स के हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे सो डेफिनेटली आप नदी के बहाव की डायरेक्शन में जाएंगे और आप जीतने की संभावना आपकी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इन लेबल्स को भूलेंगे, इग्नोर करेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे, अपने कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करेंगे, सो डेफिनेटली आपको कोई सेव नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता। मार्केट है ये दोस्त, इस मार्केट का सीधा सा फंडा है कॉमन सेंस, और इस मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो होती है कॉमन सेंस की। मार्केट किस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है, ये अगर कॉमन सेंस आपको आपने लगा लिया तो समझ लीजिए कि इस मार्केट से आप अथा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कितनी भी आपको टेक्निकल नॉलेज हो, कितनी भी आपको फंडामेंटल नॉलेज हो, लेकिन अगर कॉमन सेंस की कमी है तो आप इस मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कुछ लोग हर्ट हो रहे हो, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करना नहीं, आपको समझाना है ताकि आप बड़े नुकसान से बच सके, ठीक है। सो कॉमन सेंस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ने आज देखिएगा काफ़ी फ्लक्चुएटेड दिया था, अप्स डाउन्स काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ, रेड ग्रीन, बट फाइनली ग्रीन में क्लोथिंग आई, और जब ग्रीन में क्लोथिंग आज आई है और वो भी उस लेवल से रिवर्स होकर आई है जो कि 2 साल पहले बना था, यानी कि 16,000 के लेवल से रिवर्सल आया, अब हमें एक्सपेक्टेशन है कि मिड कैप के अंदर भी एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है अलॉन्ग विद निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी इंडेक्स के साथ, ठीक है। अब स्मॉल कैप के बारे में बता दो, ये 16,000 आ गया, अब निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बताते हैं, क्योंकि इंडेक्स से ही सारा खेल होता है। अब लोग कहते हैं कि हमारे शेयर्स क्यों गिर रहे हैं, अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है तो दोस्तों स्मॉल कैप पिछले साल सितंबर अक्टूबर में 9,500 के आसपास था, आप देखेंगे मैं आपको ये भी दिखा दूं, 9,581 पे था स्मॉल कैप पिछले साल, और ये था कब का समय था पीक का, आप देखेंगे लगभग जनवरी, बल्कि पिछले साल भी नहीं, इसी साल जनवरी की बात है, और जनवरी में ये जो लेवल था 9,500-9,600 का लेवल था स्मॉल कैप का, अब स्मॉल कैप में 5,770 का लेवल आ गया दोस्त। अब जब 5,770 का लेवल आ गया तो कैसे आया, इसका मतलब जो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जो भी लिस्टेड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हैं उनके प्राइसेस नीचे गिर गए, तभी तो इंडेक्स भी नीचे गिरा। इंडेक्स नीचे गिरा इसलिए स्टॉक नीचे नहीं गिरते हैं, स्टॉक्स नीचे गिरे इसलिए इंडेक्स भी नीचे गिर गया, ठीक है। तो स्मॉल कैप में चूंकि अच्छा खासा करेक्शन आ गया, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँगा तो तकरीबन पीक से लगभग 400 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है, और 400 पॉइंट का मतलब आप समझिए लगभग 40% का फॉल
निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर आया, तो अगर आपके स्टॉक्स में अगर 40-45% का डिप आया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पूरा इंडेक्स 40-45% डिप में आ चुका है, ठीक है। बट अभी नेक्स्ट कहाँ पर है, और आज देखेंगे इसने जो लेवल है 5737, और आज जो हमने यहाँ पर देखेंगे जो लोएस्ट लेवल है वो 5694 है, ठीक है। यानी कि हमारा लेवल जो 5500 का जो लेवल है ऑलमोस्ट उसके पास आ चुका है। अभी अगर निफ्टी में कल थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन रहती है तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि स्मॉल कैप एक बार फिर से 5500 का लेवल टच करे, लेकिन यहाँ से जो रिवर्सल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर। क्यों, रीज़न आप देखिएगा यहाँ पर 18 नवंबर 2016 उसके अलावा 26 दिसंबर 2016, ये दो डबल बॉटम बनाए इसने, और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम बनाने आएगा, उससे अगर रिवर्सल आता है तो आप समझ लीजिए टॉप बनाने जाएगा वापस 9500-9600 में कमिंग नेक्स्ट 12-18 मंथ के अंदर। और स्मॉल कैप के अंदर जो आज लेबल्स हैं जिन भी स्टॉक्स के, आप समझ लीजिए वो जो प्रीवियस हाई थे उनके उससे भी ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज अब की बार जो तेजी आएगी स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर वो बहुत ही क्विक और बहुत शार्प मूवमेंट आएगा। काफ़ी कुछ करेक्शन आ चुका है, वो एक बड़ा करेक्शन आ चुका है मार्केट में, और यहाँ से स्मॉल कैप अपना ऑलमोस्ट बॉटम 2 साल पहले का बॉटम ऑलरेडी हिट कर चुका है, और अगर यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आता है तो आप स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेजी देख पाएंगे, और बहुत सारे स्टॉक्स जो कि अपने 52 वीक लो पे चल रहे हैं वो अपना प्रीवियस 52 वीक हाई को भी तोड़ देंगे। तो ये हमने आपको तीनों इंडेक्स के बारे में चार्ट एनालिसिस बताई। फिलहाल 5770 पर जो ट्रेड ले रहा है वो आप देख सकते हैं इन लेवल्स पर, ये जो आप जहाँ मेरा माउस घूम रहा है यहाँ पर आप देखेंगे सेम लेवल है 5730 के आसपास का, यहाँ पर सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। अगर इस सपोर्ट 5770 को 5700 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेगा वो लेगा 5500 पे आके। तो गाइज आप याद रखिएगा स्मॉल कैप 5500 मैक्सिमम सपोर्ट लेवल डाउनसाइड के अंदर। अगर कुछ और एक फ्लक्चुएटेड वे में अगर कल या परसों में एक हल्का सा फ्लक्चुएट मारता है देन इट्स ओके, अदरवाइज एक रिवर्सल मुझे स्मॉल कैप के अंदर नज़र आता है। मिड कैप में मुझे एक अच्छी तेज़ी नज़र आती है, और साथ ही निफ्टी में भी मुझे अब यहाँ से लगभग 10,800 से लेके 10,900 के बीच के लेवल नज़र आते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है स्विंग ट्रेडिंग पे, हो सकता है ये टारगेट आपको अगले इसी अक्टूबर एक्सपायरी के एंड तक मिल जाए, या हो सकता है नवंबर में मिले, हो सकता है दिसंबर में मिले। सो दिस इज़ काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग में मार्केट कितना ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट होता है ये कहना बहुत मुश्किल होता है, बट हम लोग आपको टारगेट्स बता सकते हैं जो कि हमने आपको बताए। उम्मीद करते हैं कि आप इन लेबल्स को ध्यान में रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप मिड कैप के अंदर कहाँ तक मोमेंटम आएगा, आपको पता चल जाएगा आप स्मॉल कैप के अंदर कहाँ तक मोमेंटम आएगा। स्मॉल कैप का जो हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, जिसको हम टारगेट बोलेंगे लगभग 6550 का, अभी 5700 है यानी कि लगभग 700 पॉइंट के आसपास का यहाँ से हम लोग तेजी देखते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर। और एक बार उसके ऊपर चला जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हम लोग मान के चलेंगे वो तकरीबन हम चलेंगे 7000, यानी 7000 तक जा सकता है अगर 6500 के ऊपर की क्लोजिंग आई स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। सो स्मॉल कैप में एक अच्छी तेजी है, साथ ही अगर मैं आपको मिड कैप 100 में भी आपको लेवल बता देता हूँ आपको एक बार, निफ्टी मिड 100। सो मिड कैप में जो आपका पहला लेवल ऑफ सपोर्ट आएगा रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 17,300 का, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट की तेजी मिड कैप के अंदर आने की पूरे संभावनाएं हैं। जबकि डाउनसाइड में अगर 15,800 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है मिड कैप में तो फिर 1000 पॉइंट की गिरावट भी संभावित है, ये आप समझ के चलिएगा। बेस्ट और वर्स्ट दोनों ही सिनेरियो हम आपको बता रहे हैं। अगर 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद लगभग 17,800 या 18,000 के लेवल आपको मिड कैप के अंदर दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, बट इट विल टेक अ टाइम, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा आपकी होल्डिंग्स के साथ। और आई 100% श्योर कि जो भी होल्डिंग्स आपके पास हैं और अगर आपने मेरे चैनल के थ्रू उन स्टॉक्स को परचेज किया है तो जब ये स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स अपने हाई पर वापस पहुँचेंगे तो आप लोगों के सारे लॉसेस कवर हो चुके होंगे, जो स्टॉक्स होंगे वो अपने प्रीवियस हाई के आसपास होंगे या उनसे ऊपर निकल चुके होंगे। सो लेट्स सी, अब इंतज़ार करते हैं कि मार्केट कब रिवर्सल लेता है, कितना तेज़ रिवर्सल लेता है।
एंड उसके बाद ही हम लोग आगे की बात करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए जितना चाहेंगे, क्योंकि एक ही तरीका है मार्केट के अंदर पैसा कमाने का। स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाने का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं मिल सकता। द ओनली सिंगल वे टू अर्न या टू मेक द मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट इज लर्निंग। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इन एनी केस आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आप मेरे माध्यम से कुछ नॉलेज गेन करें या फिर आप खुद इंडिविजुअली बुक्स को पढ़ें, गूगल करें, गूगल में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, पढ़िए, एक एक टर्मिनोलॉजी को पढ़िए, मिड कैप्स क्या होते हैं, स्मॉल कैप्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, बुल ट्रेंड कब आता है, बुलिश ट्रेंड कब आता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सभी चीज़ों को आप पढ़िए, वन बाई वन नोट्स बनाइए, उनको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ाई कर ली, फिर आपसे आपकी अर्निंग्स को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और आप एकदम डायरेक्टली आप जंप कर गए, तो आप समझ सकते हैं कि दंगल में अगर एक नौसिखिया आदमी कूद जाए तो उसका क्या हाल होने वाला है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सो दंगल है ये दोस्तों, इस दंगल में अगर आपको कूदना है, जीतना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही पैसा कमा पाएंगे। खैर, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ मैं। जब तक के लिए आप लोग अगर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनको बहुत नुकसान हो चुके हैं बड़े बड़े, उन लोगों के साथ भी हम अपने व्यूज़ को शेयर कर पाएंगे, आप लोग भी उनकी मदद कर पाएंगे। लाइक कीजिएगा, जितना लाइक करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे हर वीडियो पे कम से कम आप लोग 1000 लाइक्स तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोग मेरे को प्यार और स्नेह देते हैं, अगर आप लाइक्स के थ्रू मुझे शो करेंगे तो आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो मेरे तक पहुँच जाएंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।